हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स कौन से हैं एंड क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पार्ट 5 यानी कि जो यूनियन को डिस्कस करता है उसका चैप्टर नंबर 4 है। यानी कि हमारे जो आर्टिकल्स 124 से 147 जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में या सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस। फॉर्मेशन, अपॉइंटमेंट, सैलरी, डिसोल्यूशन से लेकर सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले कि एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा कोर्ट जो है हायरार्की में या सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पे है, ठीक है। एंड साथ ही साथ हाईएस्ट कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील है कि ऐसी कोर्ट जहाँ पे हाईएस्ट अपील की जा सकती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसको सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे रहने का दर्जा दिया है, तो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। एंड इसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है, यानी कि ऐसी पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगी, सारे के सारे लॉज, उसको डिक्लेयर कर दिए जाएंगे नल एंड वॉइड। एंड ऑल्सो ये चेक रखता है हमारी जुडिशियल सिस्टम पे, जो हमारे बाकी के जो कोर्ट्स हैं उसके ऊपर भी चेक रखता है। एंड कोई भी ऐसी जजमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर करती है, या कोई भी ऐसा एक्ट बनता है, उसको क्या डिक्लेयर किया जा सकता है, नल एंड वॉइड, ठीक है। और साथ ही साथ इंडिया का क्या है, हमारे पास सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है जिसमें 3-tier स्ट्रक्चर है एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि एक सिंगल हायरार्की चल रही है। टॉप मोस्ट पोजीशन पे वी हैव सुप्रीम कोर्ट, देन वी हैव द हाई कोर्ट्स ऑफ द अदर स्टेट्स, एंड देन वी हैव द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आप कह सकते हैं। और ये सारी की सारी जो आप कह सकते हो डिफरेंशिएशन है या हायरार्की किसने सेट करके दी है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, यानी चेक रखने की हमारे लॉ सिस्टम के ऊपर एंड अदर जो कह सकते हैं लीगल सिस्टम जो चल रहा है। तो अब हिस्ट्री एंड फॉर्मेशन की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो इनिशियली जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट वो इस्टेब्लिश किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, एंड जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, इसने सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट इंडिया को दिया। बट उसे आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर था। और वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, कैलकटा में, ठीक है। एंड इसको कौन सी पावर दी गई थी कि वो था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विथ फुल पावर एंड अथॉरिटी। बट फुल पावर एंड अथॉरिटी एक्चुअली में उसे इंडिया की नहीं मिली थी, इट वॉज गिवन द अथॉरिटी ऑफ ओनली द एरियाज ऑफ कैलकटा या फिर उसके सराउंडिंग एरियाज के लिए। तो बेसिकली में ऐसा होता था कि जितने भी आप कह सकते हो सिविल केसेस थे वो तो इनिशियली ट्राई कर लिए जाते थे बाकी ऑफिशियल्स के थ्रू, जो आप कह सकते हो कि क्योंकि उसके उस टाइम पर रिलीजियस जो है डिफ्रेंसिएशन भी काफ़ी रहती थी, तो मुस्लिम्स के केसेस मुस्लिम्स डील करते थे, हिंदूज के हिंदूज करते थे। तो सिमिलरली बेसिकली क्रिमिनल केसेस को हैंडल करने के लिए बनाया गया था। तो क्रिमिनल केसेस में भी अगेन इट वाज सेट कि किसी एक पर्टिकुलर एरियाज के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट सेट करेंगे। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट कैलकटा इस्टेब्लिश कर दिया गया, कैलकटा एंड इसके आसपास के एरियाज के लिए। बट अब कोई भी अगर लॉ बनता है या एक्ट बनता है, इनिशियली जो है आप देखते हैं उसमें बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो एक्चुअली में क्राइम था उसकी पार तो सिर्फ कैलकटा के आसपास के लिए ही थी, तो बाकी एरियाज को कौन मैनेज करेगा। तो धीरे धीरे क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट जो है मद्रास एंड बॉम्बे पे भी बाय किंग जॉर्ज द थर्ड उनको सेटअप कर दिया गया 1800 में एंड 1823 में। क्योंकि अब एक्चुअली में क्या सिस्टम था, कैलकटा क्योंकि ब्रिटिशर्स की कैपिटल रही, तो उस टाइम पे इतनी दूर तक ट्रैवल करके आना वाज नॉट फीसिबल। तो क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट एट मद्रास एंड बॉम्बे सेटअप कर दिए गए 1800 एंड 1823 में। अगेन थोड़े बहुत जो है चेंजेस आते रहते हैं, एंड लॉ इज अनदर फील्ड जो बहुत ज़्यादा डायनामिक है, कभी भी एक स्टेबल पोजीशन पर नहीं रहती, उसमें एडिशन होती रहती हैं, चेंजेस होते रहते हैं। सिमिलरली क्या होता है, फिर इंडिया के हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 में आते हैं जिससे डिफरेंट हाई कोर्ट्स जो हैं एट द इंडियन लेवल जो है वो सेटअप हो जाता है। एंड अगेन धीरे धीरे बहुत सारी चेंजेस आते हैं, एंड फाइनली जब इंडिया आज़ाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। और उसको कहाँ से पावर मिलती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड इसकी फर्स्ट सिटिंग हुई 28 जनवरी 1950 को।
तो सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? वी ऑल नो कि सीट जो है हमारी कैपिटल रीजन में ही है, दैट इज़ दिल्ली में. बट कई बार दिमाग में भी आता है क्या ये सीट मूव हो सकती है? बिल्कुल जी हाँ, हो सकती है. हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकते हैं, बट ओनली ऑन द असेंट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है जी. देन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस देख लेते हैं. तो जब अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस होती है तो वो दोनों की अपॉइंटमेंट एक्चुअली में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो अपॉइंटमेंट होती है उसका प्रोसीजर यही रहता है कि जब हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और वो होने वाले हैं रिटायर, ठीक है, तो उनकी रिटायरमेंट की एज से या फिर रिटायरमेंट होने से थोड़े ही देर पहले उनसे मिनिस्टर ऑफ लॉ जो है थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं, उनसे लेते हैं राय. ठीक है, उनसे ली जाती है राय कि वो किसको सजेस्ट करेंगे. वैसे तो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि तो सीनियर मोस्ट जज जो है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनको बनाया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट अगेन रिकमेंडेशन ली जाती है, उस रिकमेंडेशन को वो पास कर देते हैं, आप कह सकते हो आगे टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड उसी को या उसी मुद्दे को लेकर वो एडवाइस करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमारे जो तीन स्ट्रक्चर्स रहते हैं या तीन हमारे जो आप कह सकते हो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी है. अब यहाँ पे हम कहते तो हैं हमारे पास कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव है या इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर है हमारे पास, वेर एज अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की आप कह सकते हो कहीं ना कहीं जो है वो पार है उनके पास कि वो प्रेसिडेंट को कह सकते हैं कि ये जो रिकमेंडेशन है ये सही है या नहीं है. तो कहीं ना कहीं जुडिशरी का प्राइम मिनिस्टर यानी कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के साथ जो है आपस में टकराव है या इंटरफेरेंस तो इन तीनों ऑर्गन्स का आपस में रहता ही है. तो इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं आप कहो हैम्पर होती यहाँ पे नज़र आ रही है, या पॉलिटिकल कनेक्शन, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं तो पॉलिटिकल कनेक्शन का होना भी यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है. वेराज अगर हम बात करें जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की तो वो अगेन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं उन्हें ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इट्सेल्फ. तो क्वालिफिकेशन क्या होगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कि देख लेते हैं कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आप सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए हो, और साथ ही साथ आपकी प्रमोशन तभी होगी जब आप एक जज ऑफ हाई कोर्ट रह चुके हो फॉर 5 ईयर्स, या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो हाई कोर्ट में फॉर 10 ईयर्स एटलीस्ट, या फिर आप प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट यानी लॉ की फील्ड में बहुत ज़्यादा आपका नाम होना चाहिए इन द आईज या इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो दीज आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बिकम द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. तो अब टेन्योर क्या है? तो टेन्योर एज सच कोई फिक्स नहीं है, हमारे पास एज है वो 65 ईयर्स की दी गई है. ठीक है, एंड साथ ही साथ रेजिग्नेशन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट हो सकता है, एंड ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ऑब्वियसली बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि अपॉइंट उन्होंने किया तो रिमूव भी वही करेंगे. ठीक है, प्रेसिडेंट जो है कर सकते हैं इनको रिमूव ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट. अगेन आप देख रहे हैं कि आपस में एग्जीक्यूटिव एंड जो है अगेन आप देख सकते हैं कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी का जो है यहाँ पे तालमेल बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्लियामेंट में ही मोशन पास होता है. तो हम देखते हैं रिमूवल के लिए एक्चुअली में पार्लियामेंट में होता क्या है. तो एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट का वो रिमूव किया जा सकता है बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो है ये रिमूवल इशू तभी करेगा जब पार्लियामेंट ने कुछ भी ऐसा एड्रेस है वो पास कर दिया गया है फॉर द रिक्वायर्ड फील्ड की कौन सा, या प्रूव मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी के बेसिस पे अगर एक एड्रेस पार्लियामेंट ने पास कर दिया है और प्रेसिडेंट के पास एक चिट्ठी आई है कि उनकी रिमूवल करनी है एंड इट हैज़ बीन सैंक्शन बाय द पार्लियामेंट, तो द प्रेसिडेंट हैज़ टू रिमूव हिम फ्रॉम द ऑफिस. और जो एड्रेस है वो पार्लियामेंट का वो सपोर्टेड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी होना चाहिए ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. मेजॉरिटी नहीं, 2/3 मेजॉरिटी या 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. और रिमूवल के ग्राउंड्स क्या हैं? प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी. तो ज्यूरिसडिक्शन एंड पास डिस्कस करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की. तो वी हैव
फोर काइंड्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड जुडिशियल रिव्यू आर द पार्ट्स. तो सबसे पहले देखते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एज द नेम सजेस्ट कि ओरिजिनल यानी कि जो डायरेक्ट केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास ही एक्सक्लूसिवली राइट है जिनको कैरी ऑन करने का या जिनके ऊपर प्रोसीडिंग्स करने का. तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में हमारे पास कौन से केस आएंगे कि सेंटर एंड स्टेट का डिस्प्यूट आ गया, ठीक है, स्टेट एंड स्टेट का डिस्प्यूट आ गया, एक स्टेट एंड सेंटर एक साइड पे है एंड बाकी सारी स्टेट्स अलग साइड पे हैं. अगेन जो हमारे एक दोनों स्टेट्स एक साइड पे हैं, कुछ स्टेट्स एक साइड पे हैं, तो ये डायरेक्ट केसेस जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के आ गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास. देन एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं, तो एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में आपको नाम से ही पता लग रहा है कि अपील वाले केसेस जो हैं, तो अपील कहाँ से हो सकती है. अगेन अपील जो है हमारे हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया जो है उनकी वजह से या उनकी तरफ से जो भी केसेस आते हैं उनके बेसिस पे हो सकती है, ठीक है. हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जो है अगर कोई केस ऐसा ट्राई करता है और वहाँ पे उसके अगेंस्ट अपील लाई करती है, हर एक के पास राइट है कि अगर अपील की जा सके तो हाई कोर्ट के डिसीजंस के अगेंस्ट जो है अपील की जाएगी इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो इसके अलावा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है PIL का. तो PIL जो है डायरेक्टली एक तरीका है फाइल करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी पिटिशन को. तो PIL का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ही अलग है, एपलेट ज्यूरिसडिक्शन उसका पार्ट नहीं है. देन वी टॉक अबाउट रिट ज्यूरिसडिक्शन. रिट ज्यूरिसडिक्शन है हमारे पास वो आर्टिकल 32 के अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ली जाएगी. तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंगली वी हैव द फाइव रिट्स, ठीक है, पांच रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शरारी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो, ठीक है. ये सारी रिट्स हैं अकॉर्डिंगली जो है डायरेक्टली अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई ना कोई वायलेशन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट से अंडर आर्टिकल 32 जाकर अपने रिट ज्यूरिसडिक्शन को एनैक्ट करा सकते हैं. देन वी हैव एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कि प्रेजिडेंट को एडवाइज करने की पावर जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है एंड वाइस वर्सा. बट द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंड टू टेक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बट एडवाइस दी जा सकती है, ठीक है. और अब पार्स को अगर डिस्कस करें तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पार सबसे पहले आती है हमारे पास. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में अगेन जो भी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में हो रही होगी उसके अगेंस्ट या उसके लिए सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं या जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, ए टू जेड सारे जितने भी केसेस ट्राई किए जा रहे हैं उनको रिकॉर्ड रूम में रखा जाएगा. उनकी जितने भी पेपर्स हैं इट विल बी केप्ट एंड रिकॉर्डेड. तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. देन वी टॉक अबाउट जुडिशियल रिव्यू. तो जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी पार है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो ऑल ओवर इंडिया कोई भी अगर ऐसा लॉ पास हो रहा है या कोई भी ऐसा डिसीजन दिया जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर कर रहा है और बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहा है, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट उसी सारे डिसीजन को या उसी लॉ को कर सकता है डिक्लेयर नल एंड वॉइड. तो इसीलिए क्या कहा जाता है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट को, प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो प्रोटेक्टर है वो जुडिशरी में, पर्टिकुलरली हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है दैट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.